नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और मार्केट लाइव में आपके लिए आज एक बार फिर से हाजिर हूं यहां पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर। आज हम चर्चा करेंगे यहां पे सरसों के ऊपर, यानी कि मत्स्य सीड। हाल ही में हमने देखा है कि सरसों की जो कीमतें हैं काफी ज्यादा उछलती हुई नजर आई थी हाजिर बाजारों के अंदर। हाजिर के साथ साथ हमने सरसों की कीमतों को वैदा बाजारों के अंदर भी काफी ज्यादा उछलते हुए देखा था। सरसों की जो कीमतें हैं वो 11,000 तक हाजिर बाजार के अंदर जाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि सरसों अपनी MSP से 4-4, 5-5 गुना तक बिकती हुई नजर आई है। इस बार काली सरसों किसानों के लिए पीला सोना साबित होती हुई नजर आई है। सरसों ने किसानों को इतना अच्छा बेहतरीन रिटर्न दिया है कि किसान अब अगली बुआई की जो तैयारी कर रहे हैं और जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं अनाज की नहीं, इसके साथ साथ सरसों की भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर करेंगे, क्योंकि इस बार सरसों की जो कीमतें हैं किसानों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हुई नजर आई है। लेकिन इस खुशी के बीच एक चिंता वाली बात भी निकल के आई है, वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। चिंता वाली बात ये निकल के सामने आई है कि जो सेबी है, सेबी ने सरसों के कॉन्ट्रैक्ट पर बैन लगा दिया है। यानी कि सेबी ने सरसों यानी मस्टर्ड सीड के फ्यूचर्स पर वायदा बाजार पर रोक लगा दी है, और सेबी का ये जो आदेश है ये आज से अभी से तत्काल रूप से लागू हो गया है। सेबी ने NCDX को आदेश दे दिए हैं इसके बारे में के अंदर, और ये कहा है कि अगर सेबी द्वारा जब तक अगला आदेश NCDX को नहीं दिया जाता है तब तक जो NCDX है वो नया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सरसों का अगला वायदा लॉन्च नहीं कर सकती, और जब तक अगला वायदा लॉन्च नहीं होगा तो नई पोजीशनें नहीं बनाई जाएंगी, और सिर्फ जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें निकलने की मंजूरी दी गई है। निकलने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने की, सौदा काट के निकल सकते हैं, नई पोजीशनें नहीं बना सकते, नई ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसके अंदर, और ये तब तक नहीं कर सकते जब तक सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता। आपको बता दें कि सेबी ने सरसों पर ये जो फैसला लिया है ये आज लिया है। इससे पहले सेबी ने ठीक ऐसा ही फैसला चने के ऊपर लिया था, जिसमें सेबी ने चने के ऊपर कुछ ऐसे ही पाबंदियां लगाई दी थी, जिसके बाद हमने देखा था कि चने की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक घटबढ़ देखने को मिली थी। हालांकि जिस समय सेबी ने चने के ऊपर ये जो बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, उस समय चने की जो फ्यूचर कीमतें थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कीमतें थी, जो वायदा बाजार की कीमतें थी, उनके अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। हालांकि चने के मुकाबले सरसों की जो कीमतें हैं उनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, यानी कि ज़्यादा उठापटक है, जिसकी वजह से हमने वायदा बाजार के अंदर भी सरसों की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा उछलती हुई देखी हैं। वायदा बाजारों के अंदर भी सरसों ने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, और एडिबल ऑयल पैक में सिर्फ और सिर्फ सरसों ही ऐसी थी जिसके अंदर हमने एक कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड होता हुआ देखा था। इसी बारे में, इसी विषय में और ज़्यादा चर्चा करने के लिए बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम जानेंगे कि सेबी के इस फैसले से क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सेबी के इस फैसले से आगे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या वायदा बाजारों में एग्री कम्युनिटीज पर या अन्य खाद्य तेलों पैक पर गिरावट आएगी, या फिर हाजिर बाजारों में भी इसका कुछ ना कुछ एक गिरावट वाला माहौल देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट। और इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर सरसों की। तो सरसों में भी सरकार ने हाल ही में सरसों की MSP बढ़ाई है, लेकिन वो 2022-23 के लिए। तो आज इस विषय में और ज़्यादा गहराई से चर्चा करने के लिए, इस रोग पर और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं CPAI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। नमस्कार जी। नमस्कार नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, देख रहे हैं कि सेबी एक के बाद एक जो कम्योडिटीज़ हैं उन पर बैन लगाता हुआ नज़र आ रहा है। पहले चने के ऊपर हमने यही बैन लगता हुआ देखा, अब देख रहे हैं कि सेबी ने सरसों के भी ऊपर बैन लगा दिया है। आपको क्या लगता है ये जो बैन लगाया गया है सेबी द्वारा सरसों के ऊपर, इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो रिसेंट बैन हुए हैं, पहले चना और अभी
मस्टर्ड का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मार्केट्स जो ये बनी थी ये हेजिंग के लिए बनी थी, और जब भी पीक मूवमेंट होती है उसी टाइम पर इन डेरिवेटिव मार्केट्स का यूज होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने 2 सालों में इस मार्केट को काफी इंस्टीट्यूशनलाइज करा जी। इसमें हमने FPIs को अलाउ करा, म्यूचुअल फंड्स को अलाउ करा, AIFs को अलाउ करा। जब ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आ जाते हैं तो हमारे को पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है उसकी बहुत जरूरत है जी। इसको ऐसे एब्रप्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ करना ये काफी मार्केट्स के लिए गलत न्यूज है, और हमने सबमिशन भी करी है, रिप्रेजेंटेशन भी करी है। देखिए महंगाई बढ़ रही है उसका एक अलग पहलू है, और कई एम्पिरिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि फ्यूचर मार्केट स्पॉट मार्केट को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि अंडरलाइन की जो डिमांड और सप्लाई है वही स्पॉट मार्केट को डिटरमिन करती है। तो ये बिल्कुल भ्रांति है, कहीं ना कहीं हम उसको, हमारे को जरूरत है उसको क्लियर करें कि ये अब्रप्ट जो विड्रॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई अच्छा नहीं है। अभी जो ये तिलन में आपको पता है कि प्राइजेस काफी बढ़े हैं पिछले एक साल के अंदर, गवर्नमेंट वरीड है उसके अंदर, इंपोर्ट भी खोला है उन्होंने, इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम करी हैं, और आगे इस सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर वो काफी एक्शन लिए जा रहे हैं। बट ये डेरिवेटिव मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट निकालना ये कोई ज्यादा मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। और आप देखिए मार्केट्स में क्या होता है, पेयर ट्रेड्स होते हैं और हेज्ड पोजीशंस होती हैं। जब वो रियल यूजर या हेजर आगे उसको कैरी नहीं कर पाएगा अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो उनको काफी लॉसेस होंगे। और मैं एक 2-3 फिगर्स और बोलूंगा कि 70 मीट्रिक टन की यहाँ पर OI है अभी एग्जिस्टिंग एक्सचेंज के अंदर, और 15 मीट्रिक टन जो है वो वेयर हाउसेस के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेड है, ट्रेडिंग रेंज है। ये क्यों इसको विड्रॉ करा हुआ, ये हमारी समझ से बाहर है जी। नरेंद्र जी, जैसे कि सेबी ने, आपने खुद ही बताया कि क्यों विड्रॉ किया है ये समझ के बाहर है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि अगर आगे इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है मार्केट के ऊपर, कमोडिटी मार्केट के ऊपर, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। और दूसरा सवाल इसके साथ ही इससे जुड़ा यही रहेगा कि आपने कहा था कि जब इंस्टीट्यूशन में काफी मार्केट प्लेयर्स आ जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं खो जाती है ट्रेडिंग की, उससे रिलेटेड हमने देखा है कि NCDX ने हाल ही में अपने सेक्टोरल इंडेक्सेस भी लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से एक ही इंडेक्स में बाकी कम्युनिटीज का लाभ भी, फायदा भी उठाया जा सके। तो आपको अब क्या लगता है कि आगे इंपैक्ट क्या रहेगा, और जिस हिसाब से NCDX की भी कोशिश है ट्रेडिंग को बढ़ाने की, क्या इस फैसले से ट्रेडिंग बढ़ पाएगी? मेरे को बहुत मुश्किल लगता है कि अगर ये पॉलिसी और इसके अंदर, हमने क्या पीछे सजेस्ट करा था जब चना का विड्रॉल हुआ था, तो हमने कहा था एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी रखा जाए, और जब भी कोई ऐसी एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है या डिसीजन लिए जाते हैं उनको एक बार टाइम दिया जाए और उसका एक प्रोसेस बताया जाए, SOPs क्रिएट करी जाए कि जो विड्रॉल होगा वो किस टाइम के अंदर होगा और उसको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा मेंबर्स को जी। मेरा ख्याल उसको हम फिर दोबारा प्रेस करेंगे। लेकिन इसमें वॉल्यूम जो एग्रीकल्चर मार्केट्स में है, डेरिवेटिव मार्केट्स में, मेरे को लगता है उसमें काफी फर्क आएगा, डिप होगा अगर इस टाइप की पॉलिसीज आएंगी। और इस वाला जो ये अभी जो एक्शन हुआ है मस्टर्ड का, ये वो डैम्पनर है जी। नरेंद्र जी, हम देखते हैं कि अगर फ्यूचर मार्केट में कुछ बड़ी हलचल होती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हाजिर मार्केट पर भी जरूर आता है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी कुछ ही महीनों में नई सरसों की अराइवल्स शुरू हो जाएंगी, तो क्या ऐसे में किसानों को अच्छा रेट मिल पाएगा? क्या किसानों के भी ऊपर इसकी दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ सकती है, जिस हिसाब से सेबी ने सरसों को बैन किया है वायदा बाजारों के अंदर? नहीं, देखिए मैंने आपको जो बताया स्पॉट मार्केट के जो रेट्स हैं जी, वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही हैं, वो फ्यूचर मार्केट को आप अगर लिंक कर रहे हैं, लीड एंड लैग इफेक्ट होता है, हमेशा अंडरलाइन जो होती है उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी से प्राइसेस बनते हैं जी। आने वाले टाइम की जो आप फसल है और इसके अंदर जो उगाई होगी उसका इतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि डिमांड यहाँ पर काफी रोबस्ट है और फार्मर्स को जो है वो ठीक प्राइस मिलेगा।
जी और आप देखिए जब भी जो डेरिवेटिव मार्केट्स में है या एमएसपी जो बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तो वो अराउंड एमएसपी के अराउंड ही, जैसे चना था उससे ऊपर ही था, उसके अराउंड ही था, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। नीचे किसान को तो इसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। और आने वाले टाइम में हम यही चाह रहे थे कि स्पॉट मार्केट डेरिवेटिव मार्केट से मिले जुड़े और एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स को इसका फायदा हो। जी नरेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि सेबी ने अभी जो सरसों वायदा है वो बैन कर दिया है, अगर आपके पास क्या सुझाव हैं मार्केट्स को, मार्केट प्लेयर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, जिससे कि ऐसे जो डिसीजंस हैं वो आगे ना हो, जिसकी वजह से लोग अच्छे से ट्रेडिंग भी कर पाएं, आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेंगे जिससे कि ऐसे डिसीजन सेबी को ना लेने पड़े? सर सुझाव तो ये हमारा गवर्नमेंट को, सेबी को यही रहेगा हमारे एसोसिएशन की तरफ से कि अब्रप्ट जो है अब्रप्ट विड्रॉल ना हो, टाइम दिया जाए जी पार्टिसिपेंट्स को, जिससे वो अपनी पोजीशन जो है जी सिस्टमैटिकली रिड्यूस कर पाए। और आगे वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक बार इशू हुआ हुआ है जो एक्सचेंजेस में है उसकी विड्रॉल होने नहीं चाहिए जी। ये कोई ज्यादा अच्छा कदम नहीं है। और हमारी दोबारा कोशिश रहेगी कि जैसे नया सीजन शुरू हो रहा है इसको रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और हम बोलेंगे एक्सचेंजेस को सेबी को कि इसको दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव किया जाए जी। तो यानी कि सीपीएआई भी पूरी पूरी कोशिश में है कि ये जो विड्रॉ किया गया है, एब्रप्टली किया गया है सरसों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा ना किया जाए, पार्टिसिपेंट्स को एटलीस्ट थोड़ा टाइम दिया जाए जिससे कि वो अपनी पोजिशनें बना सकें, अपना प्रॉफिट ले सकें, क्योंकि अगर तत्काल रूप से, अगर इमीडिएट इफेक्ट से ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी के साथ साथ जब किसी एग्री कम्युनिटी में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्पॉट मार्केट यानी कि हाजिर बाजारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आता है। और अब जैसे कि नरेंद्र जी ने बताया कि अब नई अराइवल, नया सीज़न शुरू हो जाएगा सरसों का, अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगी, कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है अब सरसों की नई आवक आने में मंडियों के अंदर, तो उस समय इसको रीइंट्रोड्यूस भी करना अगर चाहे तो अच्छा रहेगा, इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसी के साथ साथ चने के ऊपर भी, अगर चने को भी फिर से शुरू किया जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि चने में इतनी कोई मूवमेंट पहले भी देखने को नहीं मिली थी जब चने के ऊपर बैन लगाया गया था, और ना ही अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। बात रही स्पॉट मार्केट की, तो स्पॉट में जो पूरा खेल रहता है डिमांड और सप्लाई का रहता है, और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी, जो एक्सचेंजेस हैं उनकी भी पूरी पूरी कोशिश है कि जो किसान है अब वो सिर्फ किसानी तक ही सीमित ना रहें, बिजनेस से भी जुड़ें, जिससे कि उनकी जो फसलों की कीमतें हैं उनका उचित रेट भी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, जिस आपसे आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी। तो ये था एक छोटा सा सरसों के ऊपर एक छोटी सी पेशकश कि सरसों पर जो सेबी का फैसला आया है उस पर सरसों के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, आगे जाके सरसों में क्या रहने वाला है, और उस पर क्या सुझाव हैं जो कि हमने अपने एक्सपर्ट से जाने कि सेबी अभी क्या क्या कर सकता है, रीइंट्रोड्यूस भी कर सकता है, उन्होंने जो सुझाव बताए वो भी काफ़ी अच्छे थे। फिलहाल मार्केट लाइव में बस इतना ही, नमस्कार।